यहाँ है बड़ा संवेदनशील। सूर सागर क्षेत्र में दो पक्षों के झगड़े का मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन इस पर अब लिया है। देखिए, 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 47 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा कानून और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं। राकेश का रुख करेंगे, सीधा लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, ताज़ा अपडेट लेंगे। राकेश, किस प्रकार का एक्शन अब पुलिस प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रहा ग्राउंड पर, बताएं तमाम दर्शकों को, तमाम रिएक्शंस क्या आ रहे हैं पॉलिटिशियंस के, जनप्रतिनिधियों के, वो भी बताएं। देखिए, जिस तरीके से सूरसागर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जो विवाद हुआ, उसके बाद पथराव, आगजनी और पुलिस पर भी पथराव हुआ, उसके बाद जो है पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद पुलिस एक्शन में नजर आई। पुलिस ने करीब 200 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया और अब तक करीब 47 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। कानून व्यवस्था को भंग करना, पथराव करना, आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना सहित समेत कई धाराएँ जोड़ते हुए पुलिस ने अब एक्शन के मोड में आ गई है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह मौके पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं, साथ में डीसी भी मौके पर मौजूद है, एडीसीपी निशांत भारद्वाज है, लाबूराम है, तमाम जो अधिकारी पुलिस के हैं वो मौके पर मौजूद हैं। उसके अलावा बड़े अधिकारी पल पल का अपडेट ले रहे हैं, ड्रोन के जरिए वहाँ पर तत्काल पूरी व्यवस्थाएँ देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो है वो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जो है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि प्रदेश की भजनलाल जी सरकार है वो लगातार इस मामले को देख रही है, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मामले को देख रही है। तो कानून मंत्री जी क्या कहेंगे इस तरह के मामले जो हुआ, सरकार क्या कर रही है? देखिए, जोधपुर हमारा शहर बहुत ही धार्मिक स्थल में रहने वाला, पारस्परिक स्नेह प्यार रहने वाला शहर है और कल किसी गेट के विवाद को खोलने के लिए दो व्यक्तियों या दो पक्षों का छोटा सा कोई विवाद हुआ था और उसको असामाजिक तत्वों ने गलत रूप देने का प्रयास किया, परंतु वर्तमान में भजनलाल सरकार पूरी सक्रियता से ऐसे किसी एक्सीडेंट को आगे नहीं बढ़ने देगी। दोनों समुदाय के बीच में समझाइश कराइए, पुलिस पूरी सक्रियता से मौके पर मौजूद है, कोई दुर्घटना या घटना नहीं होने देगी और इसके लिए जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं हमारे जोधपुर वासियों से, सभी पक्षों से, सभी समुदायों से प्रार्थना करता हूँ, आइए हम एक साथ रहें, प्रेम भाव से रहें, ऐसे किसी असामाजिक तत्वों के उकसावे में नहीं आवें, प्रेम भाव बनाए रखें, शांतिपूर्ण समुदाय बनाए रखें और कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लें। मेरा सभी से ऐसा ही निवेदन है और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय भजनलाल जी और उनकी सरकार को, वो स्वयं पग पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सक्रियता से मौके पर ऐसे असामाजिक तत्वों को दबा रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रदेश की मजल्ला जी की सरकार है, ऐसे मामलों में काफ़ी संवेदनशील है और आप भी लगातार इस पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जो उन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? जिन्होंने हमारी जोधपुर की भावात्मक एकता, संवेदनशीलता, परस्पर भाईचारे को भंग करने का प्रयास किया है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। कुछ लोगों को बिहाइंड द बार भी किया गया है और जांच करने के उपरांत वास्तव में सही रूप से जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई होगी और भाईचारा कायम रहे। जोधपुर का भाईचारा हमेशा आज दिन तक माना गया है और मैं पूरे सभी पक्षों से, सभी समुदायों से निवेदन करता हूं, हमारा भाईचारा भंग नहीं हो, हमें इसी शहर में रहना है। हमारा शहर आपसे ही प्रेम भाव से जाना जाता है, मीठा शहर, मीठी बोली, मीठे हमारे व्यक्ति है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ लोगों ने इसे गलत रूप देने का प्रयास किया पर प्रशासन ने उसे अलाउ नहीं किया। जो कुछ भी घटनाएं हुई है वो दुखद है और आगे कोई घटना नहीं होगी और सभी पक्षों को समझा कर और नहीं मानने पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई कर, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से कार्रवाई कर, ऐसे दोषी व्यक्तियों के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कानून मंत्री जोगाराम जी का कहना है कि जो भी है इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तमाम जो है सरकार के साथ जो तमाम विधायक है, तमाम जोधपुर के विधायकों के साथ कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री भी है साथ में जोगाराम जी, वो भी लगातार जोधपुर में बैठे हैं और अब इस मामले का अपडेट ले रहे हैं ताकि किसी प्रकार की जो है वो जब माहौल जो है वो आगे और बिगड़े नहीं और पूरी तरीके से इस पूरे मामले में निष्पक्षता बरती जाए। सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है, सरकार इस पूरे मामले में निष्पक्षता बरतने का प्रयास कर रही है। राकेश, पुलिस की लापरवाही की बात भी सामने आई है। अगर मंत्री जी
इस वक्त मौजूद हो तो जरूर उनसे समझिए कि जो पुलिसिया लापरवाही की बात सामने आई है उस पर भी क्या सरकार देख रही है क्या, क्योंकि ये मामला दो बच्चों के एक छोटे से विवाद का था। अगर मौके पर जाकर पुलिस मामले को शांत करा देती तो आज स्थिति ना आती, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। देखो सर, मामला ये भी बात आ रही है कि जब दो बच्चों का विवाद हुआ था 2-3 दिन पहले और पुलिस उसमें अगर सतर्कता बरती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही नहीं है। देखिए, इस पहलू की भी जांच की जाएगी। अभी तक प्रारंभिक तौर पर ऐसी कोई दुर्गंध उसमें से नहीं आई है या ऐसा कोई आभास नहीं हुआ है। अगर ये माना जाएगा जाँच के उपरांत कि हमारे पुलिस की भी सक्रियता नहीं रही या कोई न कोई उनकी भी निष्क्रियता रही है तो इस समय में सत्य कार्रवाई की जाएगी। भजन लाल जी, सरकार किसी को नहीं बख्शती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है वो सक्रियता से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से कार्रवाई करे और इसमें कोई कमी खामी पाई जाएगी तो जरूर कार्रवाई होगी। अभी तक ऐसे कोई आभास नजर नहीं आ रहा है। ठीक, तो कानून मंत्री जी का कहना है कि निश्चित तौर पर जो प्राइमा फेसी है पुलिस में, फिलहाल पुलिस का कोई लेकुना सामने नहीं आ रहा है और उन्होंने कहा कि अगर सरकार काफ़ी संवेदनशील है और अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में निष्पक्षता बरती जाएगी और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, मंत्री जी से बातचीत के लिए भी। बड़ी चीज़ यह है कि मौके पर स्थिति जो है वो अभी अंडर कंट्रोल है, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने पत्थर फेंके, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंके, उन सभी को अब एक एक करके चुन चुन कर हिरासत में लिया जा रहा है। अगर जो भी